प्रगति। आज हम प्रेजेंटेशन ना थोड़े अलग तरीके से शुरू करते हैं। आज एक एक्टिविटी करते हैं। सब रेडी है एक्टिविटी करने के लिए? तो सब खड़े हो जाए अपने स्थान पे और दो दो स्टेप्स अपनी चेयर के पीछे चले जाएं। चेयर आगे कर दो, आप पीछे चले जाओ। अब दो दो का पेयर बनाएंगे। नीतीश भाई आप एक बार आगे आओगे, क्योंकि आप एक पेयर में अलग रह रहे हो। आ जाओ। हम ना पहले राइट हैंड से शेक करेंगे, हैंड शेक करेंगे, ठीक है? फिर सब करिए सर, फिर लेफ्ट हैंड से हाथ छोड़ेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड वाला हैंड भी शेक करेंगे, और फिर ना दो राउंड करेंगे 360 डिग्री। चलो चलो, थैंक यू नितिश भाई। अब आप एक गेस कर सकते हो ये क्या करा हमने? सब बैठ सकते सर, थैंक यू। तो यही मेरी कंपनी का नाम है। कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि कीकली नाम क्यों रखा गया आपका, या कीकली कई स्पेल आउट कलर करते हैं या वैसे करते हैं। तो ये कीकली का मतलब यही है कि फोक डांस है पंजाब का। हाँ जी, तो मेरी कंपनी का नाम कीकली है। तो और आज हम बात करेंगे कि सीसीटीवी कैमराज के ऊपर। वैसे तो मेरा एयर कंडीशनिंग का भी सीसीटीवी का भी है, तो हम एयर कंडीशनिंग सीसीटीवी बात करते हैं आज। सीसीटीवी किस किस के यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें किसी की एक की स्टोरी भी होगी कि सीसीटीवी क्यों लगाया था उसने, क्या प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लगाया हो, किसी का स्पेसिफिक। हाँ जी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक कारीगर आया ट्रेड इंडिया के थ्रू और उसने एक ऑर्डर लिया मेरे से और कुछ रिपेयर करने के लिए भी कुछ सामान लेकर गया, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। उसके बाद हमें पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ी और पुलिस आते ही सबसे पहले सीसीटीवी की फुटेज को देखा जिसमें उसकी फोटो निकल के आई और ऑफिस में वो एविडेंस भी मिल गया कि वो ऑफिस आया था और वो सारी चीजें ट्रेस हो पाई। सीसीटीवी नहीं होता तो शायद वो दोबारा कभी हम उसको ट्रेस भी नहीं कर पाते और पकड़ भी नहीं पाते, तो सीसीटीवी तो बहुत जरूरी है। थैंक यू। हाँ मनीषा जी, थैंक यू सर। घर में भी है और इनफैक्ट मेरे बेबी के लिए टैली कैम भी है। सो एज अ वर्किंग मदर व्हेन वी डू द ट्रैवल एंड ऑल दैट, सो आई ऑलवेज हैव अ सर्वेलेंस ओवर व्हाट माय चाइल्ड इज डूइंग एंड हाउ द नानी इज। थैंक यू। हाँ जी सर, हमारा जो स्केटिंग का ट्रैक है उसमें बच्चे स्केटिंग करते हैं, कई बार ऐसी खेल खेल में पुशिंग हो जाती है जिसमें बच्चे गिर भी जाते हैं और भयंकर चोट लगती है। तो वो कैमरे से हम जो है उसको देख पाते हैं कि क्या उसने पुश किया है या नहीं किया है, ये तो एक चीज होगी। दूसरा, हम दूर रहते हैं, हमारे सपोज हम यहाँ पर है वहाँ क्या हो रहा है, तो उसका सब रिकॉर्ड रहता है, तो कोई उसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि भाई हमारे इतने बच्चे हैं, क्योंकि हमको ट्रेस करना होता है कि भाई कितने बच्चे हैं, एक घंटे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 घंटे में कर रहे हैं, तो सारा रिकॉर्ड रहता है हमारे पास में। तो झूठ भी नहीं बोल सकता कोई हमसे कि भाई हमारे 4 बच्चे हैं और 15 बच्चे अगर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। अब इसमें दो कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन किसके पास आई होगी कि किसी के घर मिस हैपनिंग हो गई होगी उसके बाद उन्होंने लगाया होगा। हाँ जी सर, हमारे शॉप कश्मीरी गेट पे कोविड के जब पीरियड चल रहा था तो थोड़ा सा स्टाफ हमने छोड़ रखा था, उनपे रहता था, बाद में आइडेंटिफाई किया कि वो स्टॉक मिसमैच हो रहा है और फिर जब हमें पता चला तो उसके बाद सीसीटीवी लगाया। अब सीसीटीवी में ना दो टाइप की कैटेगरीज आती हैं, एक आपको जब आप अवेयर होते हैं मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप उससे बचने के लिए लगाते हैं, एक सेकंड कैटेगरी आती है जब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसके बाद लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद लोग लगाने में गलती करते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे मिस हैपनिंग हुई और आपके फैमिली के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर ही कोई पर्सन है और आपको आइडेंटिफाई करना है उस चीज को, तो एविडेंस इकट्ठा करना है कि उसको हम कैसे कुछ कह सकें। तो अगर आपने नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा मतलब एचडी कैमरा या वाईफाई कैमरा लगाया तो वो अवेयर हो जाएगा, वो दोबारा करेगा नहीं उस चीज को, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन उस कंडीशन में कभी भी आपका सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ या कोई भी ऐसी चीज हुई तो वो आपके यहाँ पे दोबारा से वही काम करेगा क्योंकि उसकी आदत है वो चीज की। तो वहां पे एक हम गलती करते हैं कि हम स्पाई कैम कभी यूज नहीं करते,
कि हम पहले उस जन, उसको देखें, आइडेंटिफाई करें, एविडेंस इकट्ठा करें, ताकि हम उसे कुछ बोल सकें, ताकि वो आगे से गलती ना करे, और फिर हम सीसीटीवी कैमरास लगाएं। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि लोग ये सोचते हैं, हमारे को बताते नहीं कई बारी कि प्रॉब्लम ये आ रही है, कि वो कहते हैं कि मेड को देखने के लिए हमने लगाया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मेड की प्रॉब्लम पता होती है कि हाँ मेड ने चोरी की है, वो अब इसको हम कैमरा लगाते ताकि वो दोबारा ना करे, वो दोबारा करेगी, लेकिन क्योंकि आपने उसको दिखा दिया, अवेयर करा दिया कि आपने कैमरा लगा दिया, तो आप उसको एविडेंस नहीं कर सकते उसके साथ। तो इसलिए दो कंडीशन अलग अलग है, आपने सोचना है कि आपने किस वजह से कैमरा लगाया, कि आपने कैमरा इस वजह से लगाया कि हम बचा देखने, उसको दोबारा ना करने दें, या उसको पहले पकड़ें, दूसरा किसी को तब लगाएं कि दूसरा सामने वाला नया है तो अवेयर रहे वो कि वो ये गलती करे ही ना। अब इसके साथ एक हमारी मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है, क्योंकि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 2018 17 सितंबर को, जो कि अभी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे सीसीटीवी का। उससे पहले मैं सीसीटीवी नहीं करता, खाली एयर कंडीशनिंग करता था। तो हमारे घर के बाहर कोई प्याज और रोटी ना गिफ्ट करके जाता था। अब मैंने कहा यार गिफ्ट वाले को रिवॉर्ड तो देना चाहिए, तो चलो एक कैमरा लगाते हैं तो उसको रिवॉर्ड देंगे अब इसके लिए। तो अब रिवॉर्ड देने के लिए वो जिस दिन से वो लगा उस दिन से रोटी वगैरह गिफ्ट करनी बंद कर दी। तो हमने सोचा यार हमने कोई गलती तो नहीं कर दी कैमरा लगा के, कि हम तो उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, जानना जाने की जाए। तो उस टाइम जब नया नया काम स्टार्ट किया, तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने सीसीटीवी का काम स्टार्ट किया था। तो वहां पे हमें पता चला कि यार सीसीटीवी में हमारे को ये कैमरा नहीं लगाना चाहिए था, हमारे को स्पाई कैम पहले उसको जज करना, अवार्ड देना चाहिए था, उसके बाद लगाते दूसरा कैमरा। तो इसमें ये दो कैटेगरीज आती हैं। ओ स्लाइड तो अच्छा आगे कर दो आगे। हाँ ये सीसीटीवी के टाइप्स होते हैं, जैसे वाईफाई कैमरा है हमारा, आईपी कैमरा और एचडी कैमरास हैं। ये नॉर्मली हमारे को जब किसी को जब हम न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं, या वैसे आप सोचते हैं कि लगाना है, तो ये उनके लिए होते हैं ये वाले कैमरास। तो तीन टाइप के, जिसमें वाईफाई वाले में आपको वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करानी पड़ती, ये डायरेक्ट इंस्टॉल होते हैं प्लग एंड प्ले, बाकी दोनों में वायरिंग करानी होती है। तो आईपी कैमरा जो होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के, जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं वो आईपी कैमरास पे ज़्यादा चल रहे हैं। आगे और आगे भेज दो। ये हमारे स्पाई कैमरास होते हैं। तो इसके लिए शिखा जी के लिए इसमें काम और है। शिखा जी इसमें ना एक स्पाई कैम आता है, ये वाला जो होता है हमारा, कहाँ गया इसमें, नहीं इसे आगे करना आगे, हाँ ये वाला मिनिएचर कैमरा, ये आपकी क्या तंजोर पेंटिंग के अंदर लगता है, हो गया चल। हाँ ये एक स्पाई कैम आता है हमारा कॉलर, चलो थैंक यू। ये गिव एंड आस्क है, ये गिव एंड आस्क है, थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन पूछ सकते हैं।